पहला क्वेश्चन है, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है आईआईटी बॉम्बे में। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू थेरेपी जो है इसका शुभारंभ किया है। इसे जो है यह कार्ट टी सेल थेरेपी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो यह किया गया है अग्नि प्राइम का। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर अप्रैल 2024 को ओडिशा के तट पर, जिसे कि क्या कहते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है, इस पर नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। अग्नि प्राइम जो है यह सतह से सतह पर मार करने वाली दो चरणों वाली मिसाइल है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में, मुख्यालय जो है यह है नई दिल्ली, अध्यक्ष इसके हैं समीर बी कामत। हाल ही में किस देश के कृत्रिम सूर्य, जिसका क्या नाम है, इसका नाम है कस्तार, ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान प्राप्त किया है? तो यह प्राप्त किया है साउथ कोरिया का। साउथ कोरिया जो है इसने कृत्रिम सूर्य कस्तार के ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान प्राप्त किया है। कस्तार जो है इसका फुल फॉर्म होता है कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च। चाइना ने 7 मिनट तक कृत्रिम सूर्य का तापमान बनाए रखने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, साउथ कोरिया जो है इसकी राजधानी सियोल है। मुद्रा जो है आए दक्षिण कोरियाई वॉन। राष्ट्रपति यहाँ के हैं यून सुक योल। अगला क्वेश्चन है, कठिया गेहूँ जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल यहाँ की हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीटों की संख्या 80, राज्यसभा सीटों की संख्या 31। नेशनल पार्क में दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ तथा रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर में देश का पहला AICT जो है यह लखनऊ में बन रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर, जिसे कि कहते हैं सर्ववेद महामंदिर, ये वाराणसी में बनकर तैयार हुआ है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभल जिले में श्री कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास किया है। UP सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला चौथा राज्य बना है। अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स जो है यह कानपुर में लॉन्च किया है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 4 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया गया। बारूदी सुरंगी और युद्ध के विस्फोट अवशेषों के खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जो 2024 की थीम थी प्रोटेक्टिंग लाइव्स बिल्डिंग पीस, और 2023 की जो थीम थी वह है माइन एक्शन कैन नॉट वेट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान ने किस देश के पर्यटकों के लिए ई वीज़ा की शुरुआत की है? तो यह की है भारत के पर्यटकों के लिए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की जो रैंकिंग है वह 62 देशों तक पहुंची के साथ 85वें स्थान पर है। किस देश में दुनिया के सबसे बुजुर्ग जुआन विसेंट परेज मुद्रा जो हैं, इनकी 144 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तय हुआ है वेनेजुएला के। विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो हैं जुआन विसेंट परेज
का 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये वेनेजुएला है, वेनेजुएला की राजधानी जो है वह है कराकस। मुद्रा यहाँ की वेनेजुएला बोलीवर तथा राष्ट्रपति निकोलस वादुलो हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में किस देश का मागुरेले लेजर दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर बना है? तो यह बना है रोमानिया का। रोमानिया का जो मागुरेले लेजर है यह दुनिया का सबसे तेज शक्तिशाली लेजर बना है। रोमानिया के बुखारेस्ट में के पास मागुरेला में लेजर ने उच्च शक्ति 10 पेटा वाइट तक पहुंचा है। मागुरेला लेजर जो है यह यूरोपीय ईएलआई परियोजना का हिस्सा है। ईरान जो है इस साल एससीओ का नवा मेंबर बना। अजरबैजान जो है यह कॉप 29 2024 का जो है यह शुभारंभ कर रहा है। हाल ही में किस मंत्रालय ने माई सी जी एच एस आई ओ एस ऐप लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। स्वास्थ्य मंत्रालय के जो मंत्री हैं वहाँ हैं मनसुख मांडिया। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में माया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है और नीति आयोग ने नीरम मद्रास में लॉन्च किया है। अगला कुछ और निर्वाचन आयोग जो है उसने अभी हाल ही में सक्षम ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा इंटरनेशनल का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया है राजीव सिंगल को। राजीव कुमार जो हैं यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। वहीं जो किशोर मखवाना है यह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं और प्रदीप जोशी जो हैं यह यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। टाटा इंटरनेशनल ने राजीव सिंघल को नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। उन्होंने आनंद सेन का स्थान लिया है जो 31 मार्च 2024 को सेवानिवृत्त होंगे। इससे पहले राजीव सिंघल जो हैं यह टाटा इंटरनेशनल में कार्यकारी निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे। टाटा इंटरनेशनल के चेयरमैन नोयाल एन टाटा हैं।